नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मंडला आयुक्त विजय विश्वास पंत ने समस्कारदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि उनके द्वारा जितनी परियोजनाओं को पूरा करने का माहवार लक्ष्य रखा गया है उन परियोजनाओं को उसी माह में पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि माह दिसंबर तक प्रत्येक माह में पूर्ण किए जाने वाले कार्यों का लक्ष्य स्वयं कार्यदायी विभागों द्वारा निर्धारित किया गया है, इसलिए यदि लक्ष्य के सापेक्ष परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो इसके लिए कोई तर्क नहीं सुना जाएगा बल्कि संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मंडला आयुक्त श्री पंत अपने कार्यालय सभागार में मंगलवार को देर सायं मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों के साथ ही 50 करोड़ से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था UPRRNSS निर्माण खंड 2 पैक फेड एवं CNDS के स्तर पर गत कई माह से कोई प्रगति नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व में प्रेषित पत्र के परिप्रेक्ष्य में पुनः शासन को अवगत कराने हेतु उप निदेशक अर्थव संख्या को निर्देश दिया। मंडला आयुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश के क्रम में कार्यदायी विभागों द्वारा चालू माह से दिसंबर तक प्रत्येक माह में पूर्ण कराए जाने वाले भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि भवन निर्माण कार्य की आजमगढ़ में 159, मऊ में 80 एवं बलिया में 139 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें सापेक्ष इस माह में आजमगढ़ में 16, मऊ में 6 एवं बलिया में 4, माह में अक्टूबर में आजमगढ़ में 22, मऊ में 4 एवं बलिया में 13, माह नवम्बर में आजमगढ़ में 3, मऊ में 11 एवं बलिया में 7, दिसंबर में आजमगढ़ में 44, मऊ में 15 एवं बलिया में 14 परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क निर्माण कार्यों से संबंधित लोक निर्माण विभाग की आजमगढ़ में 12, मऊ में 21 एवं बलिया में 31 परियोजनाएं, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की आजमगढ़ में 23, मऊ में 3 एवं बलिया में 11 परियोजनाएं स्वीकृत है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सितंबर में मऊ में 1 एवं बलिया में 2 सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया जाना है। इस प्रकार अक्टूबर में आजमगढ़ व मऊ में 2-2 कार्य, नवंबर में आजमगढ़ में 1 एवं मऊ में 3, दिसंबर में आजमगढ़ मऊ एवं बलिया में क्रमशः 3-6 एवं 19 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष सितंबर में आजमगढ़ में 19 एवं मऊ में 1, अक्टूबर में आजमगढ़ में 3, दिसंबर में आजमगढ़ मऊ एवं बलिया में क्रमशः 1-2 एवं 11 परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना लक्षित है, जबकि माह नवंबर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। इस प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा माह दिसंबर तक आजमगढ़ में कुल 6, मऊ में 12 एवं बलिया में 21, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा इन जनपदों में क्रमशः 23, 3 एवं 11 सड़कों संबंधित परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंडला आयुक्त श्री पंत ने समस्त कार्यदायी विभागों को इस संबंध में निर्देश दिया कि माह दिसंबर तक के निर्धारित लक्ष्य में न तो कोई संशोधन स्वीकृत किया होगा और न ही मानक और गुणवत्ता से कोई समझौता किया जाएगा। उन्होंने NHAI के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि बलिया सड़क मार्ग पर जगह जगह सड़कें खोदकर काफी असमतल करके छोड़ दी गई है, जिससे आवागमन में काफी दुश्वारियां हो रही है, प्राय दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। उन्होंने संबंधित परियोजना अधिकारी को तत्काल सड़क समतल करने का निर्देश दिया। आगाह किया कि यदि सड़कें खराब होने के कारण कोई दुर्घटना होती है तो NHAI के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने आजमगढ़ वाराणसी मार्ग को भी तत्काल ठीक कराने हेतु लोक निर्माण विभाग एवं NHAI को निर्देशित किया। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त BN वर्मा, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या तौकीर हुसैन, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग AK मणि, मुख्य अभियंता विद्युत अनुप कुमार, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण VK सिंह गौर, उप निदेशक समाज कल्याण सुरेश चंद मंडली, अर्थ एवं संख्या डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। फरवरी कर दोगे ऐसे आगे बढ़ाते रहोगे तो सतत को ठीक है, हमें काम निकलवाना तो अपने तरीके से निकलवाएंगे, वो काम आपका निकलवाना। आई डोंट केयर कि इंडिया